दोस्तों BSNL में यहाँ पे लाखों में नहीं करोड़ों में यूजर पोर्ट कराए हैं, BSNL में गए हैं, लेकिन समस्या पता है यहाँ पे क्या आ रही है कि जब हम लोग ना इंटरनेट यूज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ई लिखा हुआ आ जा रहा है या फिर नेटवर्क ही गायब हो जा रहा है, नेटवर्क ही नहीं रह रहा है। यदि ऐसी समस्या आपके साथ भी आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो गया था इस BSNL के ई वाली प्रॉब्लम से, और साथ साथ में नेटवर्क गायब हो जाता है जब इसका इंटरनेट चालू किया जाता है। तो मैं आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 4 से 5 ऐसी सेटिंग करके बताऊँगा जिसके बाद 100% आपका इंटरनेट ना पहले की अपेक्षा बेटर चलने लगेगा। आई वो सारा तरीका सारा कुछ बताऊंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी पूरी वीडियो देखिएगा, हो सकता है यदि बीच में आप स्किप कर देना तो कुछ पॉइंट आपको ना समझ में आए फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका ट्रिक वर्क नहीं किया, तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट ना डेली की डेली आपको मिलते रहते हैं, तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लाइव स्क्रीन पे हूँ, मेरे पास भी BSNL की सिम है। जैसे मैं BSNL का डेटा ऑन करता हूँ या तो नेटवर्क चला जाता है या तो यहाँ पे ना सर्विस काम ही नहीं करती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करें, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर YouTube ऐप वगैरह ओपन करना चाहें या कोई भी ऐप यहाँ पे ओपन करना चाहें ना, तो खुलती ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने YouTube ऐप ओपन किया, वो भी नहीं खुलेगा, मतलब बिल्कुल डेटा ही नहीं चलता। ऐसी समस्या से आप भी परेशान हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ना सेटिंग में आना होगा। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। सिम कार्ड के नाम से ऑप्शन होगा या फिर मोबाइल नेटवर्क के नाम से ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने BSNL वाली सिम पर क्लिक कर देना है। BSNL वाली सिम पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, और इसके नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप होगा। तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करके और आप यहाँ पर जो सबसे टॉप पर ऑप्शन होगा ऑटो वाला, उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन होगा एक्सेस पॉइंट नेम का, यहाँ पर जाइएगा। और जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे प्लस का आइकन होगा या फिर ऊपर 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो क्लिक करेंगे तो न्यू VPN का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को फिल करना, और उसके बाद आपका इंटरनेट अच्छा खासा चलेगा। कैसे फॉर्म को फिल करना है एक एक पॉइंट पे समझिएगा। सबसे पहले नेम पे क्लिक करना है। नेम पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है BSNL इंडिया। ठीक है, BSNL इंडिया इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ, और ओके कर देना है। APN पे क्लिक करना है, और APN पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है INTERNET इंटरनेट फास्ट FAST, ओके कर देना है। प्रॉक्सी को छोड़ देना है, पोर्ट में लिखना है 8080 और ओके कर देना है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड दोनों को छोड़ना है। सर्वर पर आना है, सर्वर में लिखना है www.google.com। ठीक है, यह लिख के ओके कर देना है। उसके बाद MMSC प्रॉक्सी दोनों को छोड़ना है, MMS पोर्ट को भी छोड़ना है। MCC दोनों को छोड़ के ऑथेंटिकेशन टाइप पे आना है, और यहाँ पे PAP पर क्लिक करना है। APN टाइप पे क्लिक करना है, और इसमें आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट लिख के ओके कर देना है। ठीक है, APN प्रोटोकॉल पे क्लिक करके IPv4 IPv6 कर लेना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करके IPv4 IPv6 कर लेना है। नीचे BRR पे आएंगे तो BRR पे आपको क्लिक करना है, और जितने सारे डॉटेड दिख रहे हैं सभी डॉटेड पे चेक मार्क लगा देना है सभी पे। ठीक है, नीचे से ऊपर जितने सारे डॉटेड दिख रहे हैं सभी पे चेक मार्क करके ओके कर देना है। उसके बाद MVNO टाइप का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करके नोन कर लेना है, और मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। बस बैक आना है, और जो BSNL इंडिया के नाम से ऑप्शन आया उस पर क्लिक करके ब्लू कर लेना है और बैक आना है। उसके बाद आपको अपने इंटरनेट को चालू कर लेना है, और इंटरनेट को चालू करने के बाद अब अपना YouTube वगैरह या जो भी ऐप वगैरह है उसको ओपन करके एक बार आपको रिफ्रेश करना है, और अब अच्छे से आपका सारा कुछ रन होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।